सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली आबकारी नीति मामले गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है। इस ऐलान उन्होंने पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान किया। उन्होंने केजरीवाल को आशीर्वाद मुहिम तहत अरविंद केजरीवाल को सुनेहे भेजने लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स विचाले दिलचस्प गलबात हुई है। विशेष तौर पर सेहत टेक्नोलॉजी खेतीबाड़ी जलवायु तब्दीली वर्गे मुद्दों से विस्तार नाल चर्चा की गई। विशेष तौर पर आम जीवन में टेक्नोलॉजी की वरतों से विस्तार नाल चर्चा हुई। इस दौरान बिल गेट्स के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं है सगो वह तकनीक नूं बच्चों वांग पसंद करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधी सुनवाई दौरान ईडी ने अदालत को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं। हुण आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ईडी की मदद नाल केजरीवाल के कुछ महीने पुराने फोन का पासवर्ड जानना चाहती है, जिस विच लोकसभा चोणों का डेटा है। केजरीवाल सरकार विच मंत्री ते सीनियर आगू आतिशी ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी की चोण रणनीति बारे जानकारी हासिल करना चाहती है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। दिल का दौरा पैन कारण उन्होंने मौत हुई है। देर शाम उन्होंने सेहत बिगड़न तो बाद उन्होंने बांदा जेल तो राणी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज जाया गया। मुख्तार अंसारी की मौत उन्होंने बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन से उन्होंने पिता मुख्तार न हौली जहर देने का दोष लगाया। उमर अंसारी ने कहा कि मेरे पिता को खाने में जहर दिता गया। उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका तक पहुँच करेंगे, सानू इस पर पूरा भरोसा है। उमर अंसारी ने कहा कि मैनू प्रशासन वालों कुछ नहीं दसिया गया, मैनू मीडिया राही इस बारे पता लग गया, पर हुण सारा देश सब कुछ जानता है। लोकसभा चोणों के दौर च सियासी पार्टियों वड्डे उलटफेर हो रहे हैं। कई आगू अपनी पार्टी छड़ के दूजियां पार्टियां का पल्ला फड़ रहे हैं। इस दरमियान सोशल मीडिया से खबरां वायरल हुई हैं कि भाजपा आगू हंसराज हंस जल्दी ही भाजपा छड़ के आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़ सकते हैं। हालांकि बाद में हंसराज हंस वालों आप च शामिल होने की खबरों का खंडन किया गया। भाजपा आगू ते पंजाबी गायक ने कहा कि भाजपा ने मुर्दे च जान पाई है, मैं किवें एहसान फरामोश हो सकता। यह जन्म मोदी साहब के नाम है। हंसराज हंस ने दसिया कि उन्होंने टिकट नहीं कटी गई सगो यह चोण रणनीति का हिस्सा। दक्षिणी अफ्रीका में ईस्टर के जश्न लोगों लेकर जा रही एक बस एक पुल तो डिग गई है। पुल तो डिगन तो बाद बस में अग लग गई, जिस कारण घट्टो घट 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों मुताबिक यह बस गुआंढी देश बोत्सवाना तो मोरिया शहर जा रही थी। देश के उत्तरी लिमपोपो सूबे के अधिकारियों ने कहा कि हादसे सिर्फ 8 साल का बच्चा बचा तो उसका इलाज जारी है। हालांकि उसे भी गंभीर सट्टा लगिया ने। सूबाई सरकार ने कहा कि तलाशी मुहिम जारी है, पर कई लाशां इन्नी बुरी तरह सड़ चुकी ने कि उन्होंने पछाण करना भी मुश्किल हो गया। अजे भी बस में फसिया हुई। लोकसभा चोणा 2024 तो पहला बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने फिर तो राजनीति च एंट्री की है। मुंबई च महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बॉलीवुड अदाकार गोविंदा शिवसेना शामिल हो गए। कयास लाए जा रहे थे कि गोविंदा उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट तो शिवसेना की टिकट से चोन लड़ सकते हैं, जिस विचों शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को चुनौती देंगे। रिपोर्ट मुताबिक हाल ही में अदाकार गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाल मुलाकात की थी। उन्होंने मुलाकात तो बाद ही गोविंदा के राजनीति च आने की अटकलों ने जोर फड़ लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो बाद हुण ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा मुखी अमित पालेकर तो अपनी पकड़ होर मजबूत कर दी है। दस दिए कि मनी लांडरिंग मामले के अज तो पालेकर तो पुछगिछ की जा रही है। ईडी ने अज पालेकर रामा राव दत्ता प्रसाद नायक ते भंडारी समाज के प्रधान अशोक नायक नूं पुछगिछ लई सद्या सी। दस दिए कि इस तो पहला ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल नूं शराब घोटाले के मामले च गिरफ्तार किया। हालांकि आपने दोष लाया कि ईडी झूठ फैला रही है, झूठे दोषां साडे नेतावां नूं फड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक एसयूवी कार तिलक के डूंगी खड्ड में डिग गई, जिस विच 11 लोग जख्मी हुए। अधिकारियों ने बताया कि कार श्रीनगर तो जम्मू वाल जा रही थी। रामबन के बैटी चश्मा इलाके में करीब देर रात 1:15 बजे 300 फुट डूंगी खड्ड में जा डिगी। अधिकारी ने भी बताया कि इस हादसे में 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। लुधियाना के शिमलापुरी इलाके मामूली तकरार तो बाद एक लड़की ने अपने साथियों नाल मिलकर दो नौजवानों पर हमला करके उन्होंने गंभीर जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज लिए सिविल हस्पताल जाया गया, जिथे डॉक्टरों ने एक नौजवान को मृतक ऐलान दिया। पता लगदिया ही एसीपी ब्रिज मोहन ते थाना शिमलापुरी की पुलिस ने मौके पर पहुंच के मौके का मुआयना किया। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया। मृतक नौजवान की पछाण 42 साल गुरदीप सिंह सोनू, जख्मी की पछाण अमनदीप सिंह वजों हुई है। होशियारपुर जिले के कस्बा मालपुर के मुख्य चौंक से दो मोटरसाइकिल सवार 4-5 नौजवानों वालों एक नौजवान की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। हमलावर नौजवान पहला मुख्य चौराहे से घेरा पाया, पर वह अपनी जान बचाने लिए भज के एक दुकान च दाखिल हो गए, जिस तो बाद हमलावर ने उसे गोली चला दी। सीने च गोली लगन कारण नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। कतल गैंगवार का नतीजा थाना मालपुर की पुलिस ने मौके पर पहुंच के मामले की जांच शुरू कर दी।
अमृतसर में एक नौजवान की भेद भरे हालात में मौत होने की खबर है, जिसे मृतक नौजवान के वड्डे भरा ने अपनी छोटी भैन से उसके छोटे भरा का कतल करने के जबरन दाह संस्करण करने का दोष लगाया। हालांकि मृतक की भैन ने लगाए गए इल्जामों का खंडन किया। पिंड अटकल के रहने वाले बलजीत सिंह नामी व्यक्ति ने दसिया कि उसका छोटा भरा गुरबीर सिंह जो कि शराब पीन दा आदी, उसनू साडी छोटी भैन लालच देकर अपने सहुरे घर लै गई, जिथे वह मृतक पाए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे आने तो बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी नोटिस भेजे। इस नोटिस में पार्टी तो 1700 करोड़ रुपए की मांग की गई। सूत्रों मुताबिक इनकम टैक्स विभाग का डिमांड नोटिस साल 2017 तो 2018-2021 लिए 1700 करोड़ रुपए की रकम विच जुर्माना ते ब्याज शामिल है। इनकम टैक्स विभाग की नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 दौरान कांग्रेस दी मुश्किलां वधा दित्ते ने। कांग्रेस ने 2017 तो लैके 2021 लई इनकम टैक्स विभाग के जुर्माने की मुड़ जांच की मांग लैके दिल्ली हाईकोर्ट च पटीशन दायर की थी, पर अदालत ने कांग्रेस की पटीशन नूं रद्द कर दिता। इस तों बाद पार्टी नूं नोटिस भेजा गया। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।